हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द पेट विजन। दिस इज साहिल मलिक, यूर होस्ट एंड योर वेट। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको बोर्ड पे नजर आ रहा होगा, ईस्ट्रस साइकिल इन फीमेल डॉग, तो आप समझ गए होंगे कि आज का टॉपिक हमारा क्या रहने वाला है ईस्ट्रस साइकिल के ऊपर। लेकिन क्या आपको पता है कि ईस्ट्रस साइकिल होती क्या है? बेसिकली गाइज, आपको मैं दो बातें बताता हूँ। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, जो भी हमारे प्राइमेट्स एनिमल्स होते हैं, जैसे कि ह्यूमंस ही लगा लो या मंकीज वगैरह लगा लो, ठीक है, उनके अंदर क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको देखने को मिलेगी, जो कि फीमेल्स के अंदर होती है, या जिसको हम मेंसेस भी बोल देते हैं। लेकिन जो नॉन जो प्राइमेट्स एनिमल होते हैं, हमारे पास कैटल है, जो हमारे पास बोवाइंस है या बेसिकली बफेलोज वगैरह, और साथ में जो कैट्स हैं, कैट्स के साथ साथ जो डॉग्स हैं, यानी फीमेल जो डॉग है, उनके अंदर आपको ईस्ट्रस साइकिल देखने को मिलेगी। अब आपने ये सोचा होगा कि यार, मेरी जो फीमेल जो डॉग है वो हीट में आती है, लेकिन मुझे उसकी प्रेगनेंसी कैसे पता चलेगी, या मैं कब उसको प्रेग्नेंट करवाने के लिए लेके जाऊं, यानी बेसिकली मेटिंग के लिए लेके जाऊं। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं और बिल्कुल देसी लैंग्वेज में बात करूंगा, ठीक है, ताकि आपको एक एक बात क्लियर हो जाए। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना, बिकॉज आज आपके मोस्टली डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आपको यहां पे नजर आ रहा होगा ईस्ट्रस साइकिल इन फीमेल डॉग। तो आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि ईस्ट्रस साइकिल होती क्या है। तो ईस्ट्रस साइकिल क्या होती है? तो जैसे कि आप देख रहे होगे यहां पे, द फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल चेंज दैट टेक प्लेस फ्रॉम वन पीरियड ऑफ हीट एस्ट्रस टू अनदर हीट साइकिल। यानी जब आपकी फीमेल डॉग हीट में आती है, तो उस हीट से अनदर हीट तक की जो साइकिल जो चलती है, उसको हम ईस्ट्रस साइकिल बोलते हैं। बिकॉज इसके अंदर बहुत सारे फिजियोलॉजिकल यानी इंटरनल चेंजेस होते हैं, आपकी फीमेल डॉग का बिहेवियरल चेंज भी शो करेगी। तो बेसिकली ये सारा का सारा प्रोसेस ईस्ट्रस साइकिल कहलाता है। अब एक क्वेश्चन, जैसा कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है एक क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स ईस्ट्रस साइकिल अकर इन फीमेल डॉग, यानी फीमेल डॉग के अंदर कितनी बार जो फीमेल, यानी वन ईयर के अंदर फीमेल डॉग के अंदर हीट साइकिल होती है। तो टू टाइम्स इन ए ईयर, यहां पे आपका ये जो आंसर है बहुत ही इंपॉर्टेंट आंसर है कि साल में दो बार आपकी फीमेल डॉग ईस्ट्रस साइकिल शो करती है, जो कि बेसिकली यहां पे मैंने मेंशन किया हुआ है। तो आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। आगे जो हमारे पास क्वेश्चन है, ड्यूरेशन ऑफ हीट इन फीमेल डॉग, यानी आपकी फीमेल डॉग अगर हीट में आ गई तो वो कितने दिन तक हीट में रहती है? तो वो 9 days तक हीट में रहती है, जैसा कि यहाँ पे मेंशन हो रहा है, ठीक है, आप देख लेना बिल्कुल ही। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ ऐसे ब्रैकेट डाल के। तो 9 days तक आपकी फीमेल जो डॉग है वो हीट में रहेगी। अब मैं बात करूंगा मेरे प्यारे दोस्तों फेजेस ऑफ ईस्ट्रस साइकिल इन फीमेल डॉग। यानी अब आपकी फीमेल डॉग के अंदर ईस्ट्रस आ गई, यानी वो हीट में आ गई है, लेकिन उसके क्या क्या फेजेस हैं और कौन से फेज में आपको मेटिंग करवानी है ताकि सक्सेसफुल प्रेगनेंसी आपको गेट हो। सबसे पहले तो ये जो हमारे पास जो साइकिल जो रहती है, जो हीट जो रहती है, वो 21 days तक रहती है, जिसको हम ऑन एन एवरेज लेके चलेंगे। यानी जो हीट जो साइकिल है वो 21 days तक रहती है। तो कंप्लीटली फेजेस बताऊंगा। तो एक तो आपको पता चल गया होगा हीट साइकिल के बारे में कि हीट साइकिल 21 दिन तक चलती ही रहती है हमारी फीमेल डॉग की। अगर एक बार वो हीट में आ गई तो 21 days तक चलेगी। लेकिन ये पॉइंट अलग है, ये साल में दो बार ईस्ट्रस साइकिल शो करेगी। अब ईस्ट्रस साइकिल का ही एक पार्ट है हीट साइकिल, ठीक है। जो हीट जो साइकिल है, जिसको हम ईस्ट्रस साइकिल के अंदर ही इंक्लूड कर रहे हैं, वही 21 days की चलेगी। तो पहला जो फेज जो आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा प्रो ईस्ट्रस। अब ईस्ट्रस का मतलब हीट, प्रो का मतलब पहले। तो हीट से पहले वाला जो फेज होता है उसको हम प्रो ईस्ट्रस फेज कहते हैं। अब इसका जो टाइम रहता है, यानी हाउ लॉन्ग, वो 9 days तक प्रो ईस्ट्रस आपको शो करेगी। इसमें क्या होगा, स्वेलिंग ऑफ वल्वा, यानी जो वल्वा होता है, यानी आप फीमेल का जो बैक वाला जो पोर्शन देखोगे ना रिप्रोडक्टिव पार्ट को, तो आउटर मोस्ट जो आपको रीजन जो नजर आएगा वो आएगा वल्वा। तो उसमें आपको सूजन नजर आएगी, उसमें आपको ब्लडी डिस्चार्ज नजर आएगा, यानी आपको ब्लड जैसी ड्रॉप्स नजर आएंगी वहां पे। फीमेल डॉग अट्रैक्ट मेल्स, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। यहाँ से हमारा डाउट क्लियर होता है कि इसके अंदर फीमेल जो डॉग होती है मेल्स को अट्रैक्ट तो करेंगी, बट यहाँ पे आ गया जी हमारे पास एक टास्क, शी इज नॉट रेडी टू ब्रीड। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे उसने मेल को अट्रैक्ट तो किया कि हाँ भाई मेटिंग के लिए मैं रेडी हूँ, लेकिन वो ब्रीड नहीं कर पाएगी। तो तभी मैं बोलता हूँ कि जब वो 9 दिन की जो होती है उसकी हीट साइकिल, तो उसके अंदर हमको उसको मेटिंग नहीं करवानी चाहिए, बिकॉज वो प्रेग्नेंट ही नहीं होगी, ठीक है। तो इसको हम नॉन फर्टाइल पीरियड बोलेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारी ईस्ट्रस साइकिल का। सेकंड आता है ईस्ट्रस, जो कि मेन है। अब ईस्ट्रस ये मेन है, तो इसका मतलब यही हमारे पास मेन हीट होगी। तो हम इसको बोलेंगे कि ये मेन हीट है, जो कि 3 से 4 दिन तक कंटिन्यूसली रहती है। इसमें क्या होता है, डिस्चार्ज डिक्रीज कर जाता है, यानी जो भी डिस्चार्ज हो रहा है
वो कम हो जाएगा एंड बिकम लाइटर, और वो बिल्कुल ही लाइट कलर का हो जाएगा, पिंकिश हम बोल सकते हैं। मैंने मेंशन यहाँ पे किया हुआ है, नज़र भी आपको आ रहा होगा। और मेन पॉइंट यहाँ से अराइज हो गया कि वल्वा बिकम, जैसे कि लिखा हुआ है, एनलार्ज। इसमें जो वल्वा का जो साइज जो होता है ना, वो आपको बड़ा नज़र आएगा और वो सॉफ्ट नज़र आएगा। अब ये सारी की सारी जो भी गतिविधियाँ हमारी ईस्ट्रस साइकिल के अंदर जो हो रही है ना, यही एक रीज़न है रिसेप्शन करवाएगी, यानी रिसेप्शन अकर इन दिस स्टेज। इसको हम फर्टाइल पीरियड बोलेंगे, यानी आप इस स्टेज के अंदर अपनी फीमेल डॉग की मेटिंग करवा सकते हो। इसी के अंदर आपकी फीमेल जो डॉग है वो प्रेगनेंसी होगी, यानी उसके अंदर प्रेगनेंसी हो जाएगी, आपकी फीमेल डॉग प्रेग्नेंट हो जाएगी। कौन सी फेज में? ईस्ट्रस साइकिल की फेज में। ठीक है, ध्यान से सुन रहे हो ना आप इस बात को, ईस्ट्रस साइकिल में आपको करवाना है। तभी मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि 11वां, 12वां और 13वां या 14वां, ये जो दिन ऐसे दिन होते हैं जिनके अंदर मेटिंग सक्सेसफुल होती है, और इसी दिन आपको मेटिंग करवाना चाहिए। जैसे कि 9 है, हम इसको 10 भी लेके चल सकते हैं, तो 10 में हम 4 जोड़ेंगे तो 14 आएगा ना। तो बेसिकली ईस्ट्रस साइकिल के अंदर ही, ईस्ट्रस फेस के अंदर ही हमको मेटिंग करवानी चाहिए, बिकॉज इसके अंदर हमको सक्सेसफुल प्रेगनेंसी देखने को मिलेगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब आगे चलो, आगे आता है हमारे पास डाईस्ट्रस। अब ये जो डाईस्ट्रस रहती है, अब ये 14th डे पे ईस्ट्रस खत्म हो गया, अब इसके बाद डाईस्ट्रस स्टार्ट होगी। अब आप ये सोच लो कि हाँ, मैंने क्या हुआ, मेटिंग करवा दी है, तो मेटिंग मैंने ईस्ट्रस साइकिल के अंदर करवा दी है, तो आपकी फीमेल डॉग प्रेग्नेंट होना स्टार्ट हो गया, यानी प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गई है। अब वो लॉन्ग करेगी, यानी वो आगे बढ़ेगी। अब ये 14 डे पे स्टार्ट होती है डाईस्ट्रस, इसको हम फाइनल एंड लूटियल स्टेज बोलते हैं, यानी सिक्रेटरी स्टेज बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, ये 60 डेज तक लॉन्ग करती है, और कई ब्रीड्स के अंदर तो ये 90 डेज तक भी चलती रहती है। ठीक है, अब आप ये सोच रहे हो कि यार ये 60 डेज तक वेरी करती है और 90 तक भी करती है, लेकिन अब हमने तो बताया है कि 21 डेज तक ही हीट साइकिल चलती है। ये मेरे प्यारे दोस्तों, जो ये 60 डेज मैंने बताया है, ये आगे फर्दर चलती रहती है, ताकि नेक्स्ट जो साइकिल आए, अब आगे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे 60 डेज तक ये लॉन्ग चलती है, इसके अंदर डिस्चार्ज बिकम रेडर, इसमें जो डिस्चार्ज होता है थोड़ा सा रेडर होना स्टार्ट हो जाता है, वल्वा रिटर्न टू इट्स साइज, यानी वो अपने लोकेशन पे आना स्टार्ट हो जाएगा, नॉर्मल साइज पे आना स्टार्ट हो जाएगा, फीमेल रिफ्यूज फॉर मेटिंग, यानी फीमेल इसमें मेटिंग नहीं करने देगी। इसके अंदर जो भी डिस्चार्ज हो रहा है या जो स्वेलिंग जो हो रही है ना, वो एंड कर जाती है। अब डिस्चार्ज हुआ था स्टार्टिंग में, स्वेलिंग भी हुई थी वल्वा की, तो वो डिस्चार्ज जो स्वेलिंग सारी की सारी एंड कर गई है, तो इसका मतलब हीट यहाँ पे फिनिश हो गई है। तो इसका मतलब ये है, डाईस्ट्रस के अंदर हमारी जो डॉग की, जो फीमेल डॉग की हीट है, वो फिनिश हो जाती है, जैसा कि यहाँ पे मेंशन मैंने किया है, आपको नज़र भी आ रहा होगा। अब मेरे प्यारे दोस्तों, अब प्रेग्नेंट कब हुई थी, कौन से फेज में प्रेगनेंसी हुई थी, ईस्ट्रस फेज के अंदर। तो ईस्ट्रस फेज के अंदर प्रेगनेंसी हुई थी, और यहाँ पे जब तक उसका बर्थ हो चुका है, तो वो कौन सी फेज में, डाईस्ट्रस में। लेकिन अब जैसे मैंने बताया कि 60 डेज, तो ये 60 डेज क्यों बताया है, बिकॉज ये हमारा जेस्टेशन पीरियड रहता है फीटस का। अब जेस्टेशन पीरियड मतलब, अब आपकी फीमेल डॉग प्रेग्नेंट हो चुकी है, तो क्या होगा, पेट में जो बच्चा है वो पैदा होना स्टार्ट हो जाएगा, वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही वो डेवलप होगा, वो डेवलप का डिलीवरी तक, यानी बर्थ तक का जो पीरियड जो रहता है, जो टाइम, जो ड्यूरेशन रहता है ना, उसको हम जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। तो वो हमारा 2 महीने 2 दिन है ना। अब 1 महीने में कितने दिन होते हैं, 30 होते हैं, तो 30+30 कितने हो गए, 60 डेज हो गए ना। तभी मैंने यहाँ पे 60 डेज लिखा है कि डाईस्ट्रस जो है टिल बर्थ तक 60 डेज तक कहलाती है। वैसे ये 14th डे पे स्टार्ट हो जाती है, जो कि हमारा जो 60 डेज है यहाँ से निकल के आया है कि जेस्टेशन पीरियड 2 मंथ 2 डेज का रहता है हमारी फीमेल डॉग के अंदर, और जो बेसिकली 60 डेज हमारा डाईस्ट्रस शो करती है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपकी फीमेल डॉग की जो हीट है वो एंड कर जाएगी। अब लास्ट जो फेज आता है एनईस्ट्रस, जैसा कि आपको नज़र भी आ रहा होगा, इसके अंदर आपकी फीमेल की हीट जो है वो नहीं होती, यानी वो बिल्कुल ही नॉर्मल हो जाती है, बिकॉज डिलीवरी वहाँ पे हो चुकी है। अब वो नॉर्मल हो जाएगी, अब वो अपनी बॉडी को प्रिपेयर करेगी नेक्स्ट ईस्ट्रस साइकिल के लिए, क्योंकि मैंने बताया ना कि 1 साल में 2 बार हीट में आती है। 2 बार हीट में यानी हम बोल सकते हैं कि 6 से 8 मंथ, मान के चलो आप 8 मंथ वेरी करता है, नॉर्मली 6 से 7 महीने के अंदर अंदर आपकी फीमेल जो डॉग है हीट में आ जाती है, और वो रिपीट भी कर देती है इतने में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आई थिंक मैंने जितना भी आपको बताने की कोशिश की है, आपको समझ में भी आ गया होगा। तो मैं इसको रिकैप नहीं करूंगा, बिकॉज वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अगर आपको कुछ पॉइंट समझ नहीं आ रहा, तो आप स्क्रीनशॉट लेके इस वीडियो को दोबारा से वॉच करके आप इसको सभी को रिवाइज कर सकते हो। अगर मेरे प्यारे दोस्तों आपका फिर भी कुछ डाउट है माइंड के अंदर, आपके बहुत सारे डाउट है, मुझे पता है कि हमारा दिमाग बहुत ही विशाल होता है,
कहाँ कहाँ तक सोच लेता है हमको खुद को भी नहीं पता होता, ठीक है। तो अगर आपके माइंड के अंदर क्वेश्चंस आ रहे हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई नहीं करता तो आपको मुझे इंस्टाग्राम, हमारा पेज है द पेट विजन के नाम से, वहाँ पे मुझे फॉलो करना है। वहाँ पे आपको हीट से रिगार्डिंग या किसी भी प्रॉब्लम से रिगार्डिंग आपको अपने डाउट शेयर करने हैं, मैं वहाँ पे आपसे बात करूँगा। अगर वहाँ पे आपको रिप्लाई नहीं मिलता तो मेरी पर्सनल प्रोफाइल है, आप उस पर मुझे मैसेज कीजिए, sahil.s.m करके है, आप वहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं वहाँ पर आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और गाइज मैं आशा यही करूँगा आज जो मैंने एफर्ट्स जो डाले हैं इस टॉपिक के ऊपर, आई थिंक मैंने सभी पॉइंट्स आपके क्लियर करने की कोशिश की है, तो आपको पसंद भी आई होगी ये वीडियो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको 1% भी ये नॉलेजफुल लगी है ना, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप न्यू हो तो। और मेरे प्यारे दोस्तों, एक रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़ के, हमारे जो स्ट्रीट जो डॉग्स होते हैं उनको खाना दीजिए, उनको मारिए मत, उनसे भी प्यार कीजिए। अगर आप आपके घर में आपके पास कोई पेट है तो आप उनसे प्यार करते हो, तो इनको स्ट्रीट डॉग को भी प्यार कीजिए, प्लीज हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट करूंगा। और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, एंड प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।